नमस्कार बंधुओं, स्टडी विद पीपी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। अभी हम पढ़ रहे एडवांस मैथ का चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस, उसके हमने 3 वीडियोज कंप्लीट कर लिए। आज हम उसके चौथे वीडियो में चर्चा करेंगे कुछ बेसिक रेशियो की जो पीछे रह गए थे, उनसे क्या होगा, कुछ क्वेश्चनों करने में और भी आसानी हो जाएगी। हम उनको रेशियो को पिछले रेशियो की सहायता से हम याद करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि हमें रटने से आज़ादी मिले। देखिए, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा कि अगर ऐसा होता है कि यहाँ पे 30 डिग्री कोण हो, यहाँ पे 60 डिग्री का कोण हो, तो इनका और इसका अनुपात कितना था, 1:2, मतलब ये वाली दूरी और ये वाली दूरी का अनुपात हमारे पास कितना था, 1:2। इसी प्रकार इसमें ध्यान रखना कि हमारे पास ऐसा आ जाए इंटरफेस कभी कि यहां पे ऊपर 30 डिग्री का कोण हो और यहां पे कोण कितना हो, हमारे पास 60 डिग्री का कोण हो, तब हमें ध्यान रखना कि यह वाली दूरी और यह वाली दूरी का अनुपात कितना होगा, 1:2। इस वाले दूरी का अनुपात और इस वाले दूरी का अनुपात कितना होगा, हमारे पास 1:2। ये हमें इसको याद रखना है, इससे क्या होगा, इन प्रश्नों को करने में हमें बहुत ही आसानी हो जाएगी। और एक और हमने पढ़ा था ये वाला रेशियो कि अगर यहाँ पे 45 डिग्री, यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल हो, यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल हो, तब इनके बीच का अनुपात आता है ये वाला √3 - 1 आता। ये वाली दूरी और ये वाली दूरी का अनुपात कितना आता, 1:√3 - 1 का। तब इसमें ध्यान रखना कि अगर यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल ऊपर तो और नीचे कितना हो, 60 डिग्री का एंगल हो, तो अनुपात ही वही आएगा, ऊपर वाली दूरी और नीचे वाली दूरी का अनुपात हमारे पास आ जाएगा यही 1:√3 - 1। देखो ये रेशियो याद रखना है, उसी रेशियो को ऊपर नीचे कर लेना, बस पहले वाला रेशियो 1 हो जाएगा, नीचे वाला रेशियो का √3 - 1, जिससे क्या होगा, हमें रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर तीसरे प्रकार के रेशियो की बात करें तो ऐसा था हमारे पास कि बाहर तो कितना था 30 डिग्री का कोण और अंदर था हमारे पास कितना, 45 डिग्री। तब इसका रेशियो भी वही था कि 1:√3 - 1, इसका रेशियो क्या था, 1:√3 - 1, तो वही रेशियो इसमें भी रहेगा। क्या हो जाएगा, अगर यहां पर कितना होगा 30 डिग्री, तो नीचे वाला कोण कितना होगा, 45 डिग्री का होगा। तो ये वाली दूरी और ये वाली दूरी का अनुपात हमारे पास वही आएगा 1:√3 - 1। ये हमारे पास का क्या हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा इस वाली दूरी का और इस वाली दूरी का अनुपात आ जाएगा। तो इससे क्या होगा, इन प्रश्नों को करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। और हमें ज्यादातर प्रश्नों पूछा गया कि ये वाली लंबाई दे रही थी तो ये वाली पूछ लेगा, तो हम इस 2 का मान ज्ञात करेंगे, जितना 2 का मान होगा उतना ही किसका मान होगा, इसका मान होगा। वही अगर इसका उल्टा, अगर ये वाली लंबाई दे रही है और इसकी पूछ ले तो भी हम इसको आसानी से ज्ञात कर सकते, इसके बराबर होगी, इससे हम ये वाली दूरी निकाल लेंगे। और कोई भी प्रश्न हो इसमें हम बहुत ही आसान तरीके से और कुछ ही सेकंडों में प्रश्नों को कर सकते हैं। एक बार इन रेशियो को ध्यान से देख लेना, ये आया कैसे कि ये 1:2 है 60 डिग्री और 30 डिग्री, तो इसमें बनेगा 30 डिग्री और 60 डिग्री, लेकिन यहाँ पर अनुपात 1:2 ही रहेगा, ऊपर वाली दूरी और नीचे वाली दूरी, केवल एंगल ऊपर नीचे वाला। यहाँ पर कोण था 60 डिग्री और 45 डिग्री, इसमें हो गया 45 डिग्री और 60 डिग्री, और अनुपात यहाँ पे था 1:√3 - 1, तो इसमें भी 1:√3 - 1 हो गया। और सेम इसी टाइप में कि यहाँ पे 45 डिग्री और 30 डिग्री आ रहा है, इनका अनुपात था 1:√3 - 1, तो इसमें भी हो जाएगा 1:√3 - 1। इन रेशियो को हमें याद रखना है, इसको कहीं नोट कर लेना। चलिए, हम पिछले लेक्चर में कर रहे थे हम 2013 में आए हुए पर्सन, और उसके आगे हम एक और प्रश्न करते 2013 में आया हुआ, एक जमीन पर स्थित एक बिंदु से टावर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, टावर की ओर 60 मीटर चलने पर उन्नयन कोण
60 डिग्री का हो जाता है तब टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए एक बार, कि हमारे पास ये टावर था और यहां से इसका पहला कोण कितना था, 45 डिग्री। अब टावर की ओर चला गई 60 मीटर, तो यहां पे क्यों हो गया, यूनिट कोण हमारे पास 60 डिग्री के। अब हमें पूछा है कि टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए अभी जस्ट हमने पढ़ा कि अगर 45 डिग्री आ जाए तो इनका रेशियो होता है 1:√3 - a। पिछले वीडियो हमने 60 को इस साइड बना दिया, 60 डिग्री की 45 डिग्री, इस बार इस साइड बना दें, इनका अनुपात कितना है 60। देखिए इनका अनुपात होता है √3 - 1:1। अब देखिए 60 का मान हमारे पास हो गया √3 - a इनटू हमें 1 का मान ज्ञात। देखिए हम कैसे करेंगे, इसको 1 से गुणा करेंगे तो 1 से गुणा करने पर वही हमारे पास आता, और इसको हम परिमेयकरण कर ले तो क्या हो जाता, √3 + 1 ऊपर और नीचे भी √3 + 1, यहां पर ज्यादा √3 - 1। अब देखिए इसको हल करने पर हमारे पास क्या, a - b a + b, क्या होता है a² - b² √3 का स्क्वायर हो गया 3, माइनस बी का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1, और 3 में से 1 के पीछे कितना बचा 2, तो हमारे पास ये मान आ गया 60/2 √3 + 1, और 60 किसको भाग दे कितना देगा 30 √3 + हमारे पास इसका आ गया 30 √3 + 1, इसका क्या आ गया मान। लेकिन हमें पूछा है टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो हम जानते हैं कि इसका और इसका रेशियो होता है 1:√3 का, तो हम क्या करेंगे, 1 का मान हमारे पास दे रखा है, √3 का ज्ञात करना है, तो हम इसको √3 से गुणा कर लेंगे, तो कर लिए इसको √3 से गुणा, तो इसको हल कर ले, √3 को √3 से गुणा करने पर 3 और प्लस इसको गुणा करने पर हमारे पास कितना हो गया 3 मीटर, मतलब टावर की ऊंचाई आ गई 30 cos 3 + √3 मीटर, इस टावर की क्या ऊंचाई है। देखिए एक और प्रश्न करते हैं आसान, कि जमीन पर स्थित दो बिंदुओं से किसी खंभे के उच्च बिंदु के उन्नयन कोण क्रमशः एक दूसरे के पूरक है, यदि पहले बिंदु तथा दूसरे बिंदु के खंभे के पाद से दूरी क्रमशः 9 मीटर और 16 मीटर हो तब खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए हमने ऐसा क्वेश्चन पिछले वीडियो में किया था, एक बार और कर ले, कि मान लीजिए हमारे पास खंभा, यहाँ पे खंभे के दोनों ओर चाहे एक और बना कोई दिक्कत नहीं है कि दो बिंदु स्थित है, और ये वाला 9 मीटर दूसरा वाला कितना है 16 मीटर, चाहे दोनों बिंदु एक और बनाओ। अब हमें पूछा है कि इसका उन्नयन कोण, इसका उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक है, मतलब इस वाले प्लस इसका योग कितना हो गया हमारे पास 90 डिग्री, दोनों का योग 90 डिग्री। अब टावर की ऊंचाई पूछिए तो हमने पिछले वीडियो में देखा तो हमेशा ये वाली दूरी और ये वाली दूरी का क्या करना, गुणा करके अंडर रूट निकाल देना, तो क्या हो गया 9 × 16, अंडर रूट ए भी कहता हमने, यहाँ पे 9 × 16। अब देखिए 16 को 9 से गुणा करने पर आएगा 144, ये तो क्या हो गया आसान है, क्योंकि बड़ी बड़ी संख्या आ जाए ना तो हमें गुणा नहीं करना, सीधा ही कि 9 का वर्गमूल 3 हो गया, 16 का वर्गमूल कितना हो गया 4, और 4 × 3 = 12 मीटर। अगर हम 144 का वर्गमूल निकालते तो भी कितना था 12, और इसको आसान कर लेंगे 3 × 4 मतलब 12 हो गया, 12 मीटर क्या हो गया खंभे की ऊंचाई हो गई हमारे पास। चलिए एक और प्रश्न करते हैं, दो खंभों की ऊंचाई क्रमशः 24 मीटर और 36 मीटर है, यदि इन खंभों के उच्च बिंदुओं को जोड़ते हुए एक तार को बांधा जाता है तथा इस तार का क्षैतिज से उन्नयन कोण 60 डिग्री हो तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए हम इसको कैसे करेंगे, कि एक खंभा हमारे पास कितना है 36 मीटर का, दूसरा खंभा हमारे पास कितना है 24 मीटर का, अब इन खंभे के ऊपर सिरों कैसे बांध दिए, तब क्यों इस तार का क्षैतिज से मतलब क्षैतिज मतलब इसके समांतर ये कोण हमारे पास कितना है 60 डिग्री का, हमारे पास ये कोण दे रखा है 60 डिग्री, तो हमें पूछा है तार की लंबाई, ये वाली लंबाई हमें ज्ञात करनी। अब देखिए ये पूरा कितना है 36 है, 36 का क्या हो गया, ये तो 24 बच गया, और ये कितना हो गया हमारे पास 12 हो गया, केवल इतना क्या हो गया 12 हो गया। अब हमें ज्ञात करना है कि मतलब तार की लंबाई, देखिए हमने पिछले वीडियो में और पहले भी बहुत सारे क्वेश्चंस में कर लिया कि यहाँ पे 60 डिग्री हो तो ऊपर वाला कितना होता है 30 डिग्री, तो
तब यहाँ पे इसका मान कितना होता अंडर रूट 3, तब इसका मान कितना होता 1, और इसका मान कितना होता हमारे पास 2 होता है। अब देखिए इसी के हिसाब से 12 का मान अनुपात में कितना हो गया अंडर रूट 3, और हमें ज्ञात करना है किसका मान 2 का मान, तो करेंगे 7/7, ये भी क्या होगी ऊंचाई और अंडर रूट 3 क्या होगी ऊंचाई इंटू 2, ये क्या हो गया कर्ण हो गया। अब देखिए हम 12 को लिखते हैं 4 × 3 और 3 को लिखते हैं अंडर रूट 3 × अंडर रूट 3, बट्टा में क्या हो गया अंडर रूट 3 तो है ही है, और 2 गुणा में ऐसे पड़ा 3 से 3 कट गया। अब देखिए 4 को 2 से गुणा कर लिया 8 अंडर रूट 3 मीटर के आगे इस तार की लंबाई हमारे पास। चलिए एक और प्रश्न करते हैं, 200 मीटर ऊंचे टावर से किसी अन्य टावर के उच्च बिंदु तथा निम्न बिंदु का अवनमन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री हो, तब दूसरे टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए एक बार, अभी हमने रेशियो पढ़ा था स्टार्टिंग में, ये कितना हो गया ये 200 मीटर ऊंचा टावर है और एक अन्य टावर है, इससे अवनमन कोण बोला तो नीचे होगा, ये अवनमन कोण देते हैं यहाँ पे कितना 30 डिग्री और इसके निम्न बिंदु से अवनमन कोण देता हमारे पास कितना 60 डिग्री। और हम जानते हैं कि उन्नयन कोण हमेशा किसके बराबर होता है अवनमन कोण के बराबर होता है, तो देखिए ये वाला 30 डिग्री है तो ये वाला कितना हो जाएगा हमारे पास 30 डिग्री और ये वाला 60 है तो हमारे पास कितना हो जाएगा ये वाला भी 60 डिग्री। अब हम पूछा है इस टावर की ऊंचाई, इसके लिए हमने स्टैटिक रेशियो बताया कि ये वाली दूरी और ये वाली दूरी इनका अनुपात होता है 1:2, इसकी सहायता से हम कर लेंगे। अब देखिए पूरी लंबाई कितनी है 200, अनुपात में पूरी लंबाई कितनी है 1+2 कितनी हो गई 3 इंटू, हमें ज्ञात क्या करना है ये वाली दूरी टावर की, दूसरे टावर की ऊंचाई, दूसरे टावर की ऊंचाई मतलब ये वाली दूरी, इसका मान कितना है 2 ओम। अब देखते हैं इसको हल करते हैं, आज का आंसर हो जाएगा 200 तो 400/3 मीटर, और इसको सिंप्लीफाई करना है तो इसको 400 में 3 का भाग देंगे, पहले एक बार गया फिर 10 में 3 बार फिर 10 में 3 बार एक शेष बचा 33 सही 1/3 मीटर की होगी दूसरे टावर की ऊंचाई आ गई, या फिर 400/3 मीटर की होगी इस टावर की ऊंचाई आ गई हमारे पास। चलिए एक और प्रश्न करते हैं, 125 मीटर ऊंचे टावर से दो वस्तुओं के अवनमन कोण 45 डिग्री तथा 30 डिग्री है, दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए टावर की ऊंचाई देखिए 125 मीटर और दो वस्तुएं हैं और इनके बीच का कोण देखकर 45 डिग्री 30 डिग्री है और ये हमें ये दूरी ज्ञात करें। अब हम जानते हैं कि अगर ये 125 है तो यहाँ तक ये दूरी कितनी हो जाएगी हमारे पास 125 ही होगी, क्योंकि 45 डिग्री में इसका अनुपात कितना होगा 1:3। अब देखिए ये वाली दूरी और ये वाली दूरी क्या अनुपात होता है 1:√3 - 1, मतलब 1 का मान हमारे पास दे रखा है तो हमें 30 का मान इसका √3 - 1 का मान हमें ज्ञात करना, तो कर लीजिए इसको गुणा सीधे बट्टा 1 करेंगे हो जाएगा इंटू √3 - 1 का मीटर, इसका क्या हो गया आंसर दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी क्या आ गई 125 × √3 - 1 मीटर आ गई। चलिए एक और प्रश्न करते हैं, भूमि पर स्थित बिंदु P से 10 मीटर की ऊंची इमारत के उच्च बिंदु का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, एक झंडा इमारत पर फहराया जाता है तब बिंदु P से उस झंडे का उन्नयन कोण 45 डिग्री हो जाता है, तब झंडे की लंबाई ज्ञात कीजिए। इमारत की ऊंची कितनी थी हमारे पास 10 मीटर, तब इसका उन्नयन कोण हमारे पास कितना था 30 मीटर, अब इसको बढ़ा के ऐसा कर दिया कि 45 डिग्री कब कर दिया जब इस पे क्या लगा दिया झंडा लगा दिया। अब देखिए हम जानते कि ये 30 होता है तब ये वाला कोण कितना होगा 60 और ये 45 ये भी कितना हो गया 45, और हमने बहुत सारे वीडियोस प्रश्नों में कर लिए कि 60 डिग्री और 45 डिग्री आ जाए तो इनका रेशियो होता 1:√3 - 1, मतलब हमारे पास 1 का मान 10 देर का है √3 - 1 का मान ज्ञात करना, तो ज्ञात कर लीजिए बट्टा 1 करेंगे वही आएगा इंटू √3 - 1 का मीटर आ जाएगी, इसकी क्या आ जाएगी लंबाई आ जाएगी झंडे की। ये एक और प्रश्न करते हैं, भूमि पर स्थित बिंदु P से किसी टावर के उच्च बिंदु का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, बिंदु P से 10 मीटर की ऊंचाई पर
स्थित अन्य बिंदु Q से टावर के निम्न बिंदु का अवनमन कोण 60 डिग्री है तब टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए प्रश्न कैसा है, बोला है कि टावर यहाँ पे एक बिंदु स्थित है P, यहाँ से तो कोण कितना दे रखा है 60 डिग्री दे रखा है, और P से कुछ दूरी पर स्थित कौन सा बिंदु है Q, और Q से यह कोण दे रखा है 30 मीटर। हमें पूछा है कि टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, इसकी लंबाई दे रखी हमारे पास 10 मीटर। हमें इस टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी, करेंगे कैसे, देखिए ये 30 डिग्री है तो कितना हो गया हमारे पास 60 डिग्री, आई बात समझ। अब देखिए इनका इनका रेशियो क्या होता है, एक अनुपात अंडर रूट 3 का रेशियो होता है, तो मतलब 10 का मान कितना एक है तो अंडर रूट 3 का मान हो गया 10 अंडर रूट 3 मीटर, तो ये आ गई ये वाली दूरी। अब ये वाली दूरी आ गई और हमें ज्ञात करना कौन सी, ये वाली दूरी, तो देखिए ये 60 डिग्री हो गया ये 30 डिग्री हो गया, तो इनका रेशियो होता है एक अनुपात अंडर रूट 3, मतलब इसका मान जितना हो उसको अंडर रूट 3 से हम गुणा कर लेंगे, तो हम गुणा कर लो 10 अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3, तो कितना हो गया हमारे पास 10 इंटू 30 बराबर 10 इंटू 3 कितना हो गया हमारे पास 30 मीटर, इसने टावर की क्या गई ऊंचाई आ गई। चलिए आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद जय भारत।